जानिसार ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे नुशेमा भी दुआ की फैमिली से मिलने के लिए दुआ के साथ उसके घर तक पहुंच जाता है। असलम साहब दुआ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और साथ नुशेमा को देखकर हैरान होते हैं कि आखिर ये वही इंसान है जो दुआ को ढूंढते हुए हमारी मोहल्ले तक आया था और जिसके साथ मेरी बहस हो गई थी। ये इंसान दुआ से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो वो पुरानी बातों को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते। वो दुआ के साथ, दुआ की खुशियों के साथ बहुत ज़्यादा खुश है कि आखिर दुआ को एक ऐसा शौहर मिला है जो उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है और वो कभी भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं बन सकता। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे फराज जब फिजा को लेने के लिए दुआ के घर आता है, वहाँ पर नुशेमा और दुआ भी मौजूद होते हैं, लेकिन फराज अंदर नहीं आता। तो तब फिजा फराज से कहती है कि दुआ घर वापस आ गई है और अब्बू ने भी दुआ को माफ़ कर दिया है, तो आप दुआ से मिलेंगे नहीं, मेरी बहन आपसे भी मिलना चाहती है क्योंकि वो हमारी शादी में शामिल नहीं हो सकी थी। फराज ये बात सुनकर और दुआ का नाम सुनकर शौक देता है कि आखिर ये दुआ वही तो नहीं जिसके साथ मैंने धोखा किया था। अगर दुआ ने मुझे पहचान लिया और उसने मेरा सच तमाम घर वालों के सामने बता दिया तो फिर मेरा क्या होगा, मुझे तो जेल जाना पड़ सकता है। मैं तो अमीर बनने के ख्वाब देख रहा हूँ, मैं तो नुशेमा की कमज़ोरी के बारे में पता लगाना चाहता हूँ। तो तब फिजा फराज से कहती है कि आपको नहीं मालूम दुआ ने शादी कर लिया, उसका शौहर उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसका नाम नुशेमा गजनवी है। ये नाम सुनकर शौक रहता है कि आखिर नुशेमा गजनवी हमारे बॉस यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। तो व्यूवर्स आपको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।